आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसरो के साइंटिस्ट की सैलरी और आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी कितनी होती है। ये जो दोनों की सैलरी स्लिप का मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ, ये आफ्टर 4 ईयर है, यानी दोनों के चार चार इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुके हैं। इसरो का नोटिफिकेशन भी अभी आ चुका है साइंटिस्ट का, और आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। दोनों ऊंचे ओहदे की पोस्ट है, इसीलिए इसकी सैलरी स्लिप मैं कंपैरिजन का वीडियो इस बार लेके आया हूँ। क्योंकि काफी बार हमारे कमेंट बॉक्स में काफी सारी आरबीआई ग्रेड बी को लेके कंट्रोवर्सी हुई है। कोई बोलता है इसकी सैलरी आईएएस से ज्यादा है, कोई बोलता है आईएएस से कम है, कई बार बोलते हैं कि आईआईटीएम की सैलरी ज्यादा होती है, आईएम की सैलरी ज्यादा होती है। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट की सैलरी में आरबीआई ग्रेड बी से कंपेयर कर रहा हूँ। मेरे पास न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप नहीं थी इसरो के साइंटिस्ट की, जिसकी सैलरी स्लिप थी उसको चार इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुके हैं, और आरबीआई ग्रेड बी की जिनकी सैलरी मेरे पास है उनको भी चार इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुके हैं। इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा कि आप में से जो भी आरबीआई ग्रेड बी से भी नाबार्ड का भी अभी जुलाई में सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इन सब की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप anujjindal.in की साइट पर जाके अगर हमारा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मैं कूपन कोड और अनुज जिंदल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट के अंदर शेयर कर रहा हूँ। एक बार इसरो के अंदर जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर अगर हम वैकेंसीज देखें तो अलग अलग स्ट्रीम वाइज आई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टोटल 90 पोस्ट आई है, मैकेनिकल के अंदर 163 पोस्ट आई है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर 47 पोस्ट आई है। यानी सभी के पास जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और इन तीनों स्ट्रीम से है उनके पास बहुत अच्छा मौका है। और आरबीआई ग्रेड भी तो आप जैसे सभी को पता ही है कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहते हैं, हमने ऑलरेडी कई वीडियो इसको लेके बनाए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी बेसिक पे से। देखो बेसिक पे क्या होता है, जो न्यू ज्वाइनिंग की बेसिक पे होती है इसरो के अंदर वो 56,100 होती है, यानी 56,100 रुपीज। और आरबीआई ग्रेड बी की जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहती है वो रहती है 55,200, यानी 55,200 रुपीज। लेकिन जब इंक्रीमेंट लगता है साल दर साल तो आरबीआई ग्रेड बी की जो बेसिक रहती है वो ज्यादा हो जाती है और इसरो की कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? आफ्टर 4 ईयर इसरो के अंदर साइंटिस्ट की बेसिक पे बनती है 63,100 और आरबीआई ग्रेड बी की बेसिक पे बनती है 66,600 रुपीज। इसके बाद हम डियरनेस अलाउंस देखें तो इसरो का बन रहा है 19,561 रुपीज। और आरबीआई ग्रेड बी के अंदर पहले मैं इसरो साइंटिस्ट के आपको बता देता हूँ, इसमें डियरनेस अलाउंस बन रहा है 19,561। अलग बताने का कारण ये है कि दोनों के कंपोनेंट्स काफी अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी अलग है। ये ऐसा नहीं कि सेम आरबीआई की कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इसलिए कंपोनेंट थोड़े अलग रहते हैं, इसलिए एक साथ बताने में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले हम अगर हम इसरो का बेसिक पे मैंने आपको बता दिया 63,100 रुपीज, उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो है वो इसका 19,561 रुपीज, एचआरए इसका है 17,037 रुपीज, 17,037। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले 7,200 रुपीज, और डीएम ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला इनको 2,232 रुपीज। अब हम जब इनका टोटल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी इसरो के साइंटिस्ट की आफ्टर 4 ईयर बन रही है 1,09,130 रुपीज। अब हम आरबीआई ग्रेड बी की आफ्टर 4 ईयर अगर ग्रॉस सैलरी कंपेयर करें तो उसमें बेसिक पे 66,600 बन रहा है, स्पेशल अलाउंस इनका बन रहा है उसके बाद 13,000 रुपए का, ग्रेड अलाउंस इनका बन रहा है 11,500 रुपीज का, और डीए इनका बन रहा है 34,464 रुपीज का। स्पेशल परक्यूजिट अलाउंस इनको मिला है 16,616, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस इनको मिला है 6,494, स्पेशल ग्रेड अलाउंस के इनको मिले हैं 3,274 रुपीज, और लर्निंग अलाउंस के इनको मिले 2,500 यानी 2,500 रुपीज। तो ग्रॉस अर्निंग आरबीआई ग्रेड बी की आफ्टर 4 ईयर बन रही है 1,54,448 रुपीज। इसरो की बन रही थी 1,09,130, यानी अप्रॉक्स जो है 45,000 रुपए पर मंथ का इनका लगभग डिफरेंस आ जाता है। आरबीआई ग्रेड बी को अपर हैंड मिलता है इसरो के कंपेरिजन में। मैं डिडक्शन वाला पार्ट इसके अंदर शो नहीं करूंगा, क्योंकि डिडक्शन जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर किसी ने लोन ले रखा है तो उसको कम ब्याज दर पे मिलता है, ऐसे इसरो के भी अपने अपने फायदे होते हैं, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। ग्रॉस सैलरी से हमें एक्चुअल पिक्चर समझ में आ जाती है। तो ये मैंने एक सैलरी स्लिप का वीडियो आपके सामने शेयर किया था, इसरो साइंटिस्ट वर्सेस आरबीआई ग्रेड बी आफ्टर 4 ईयर सैलरी स्लिप। अगर इसको रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसरो के एग्जाम को रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम कोशिश करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह के वीडियोस आगे लाने की। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।